आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डबल कम्प्लीमेंटेशन। लॉ ऑफ डबल कम्प्लीमेंटेशन से हमारा क्या मतलब है? सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्प्लीमेंटेशन हम किसे कहते हैं। कम्प्लीमेंटेशन को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर सेट की बात करते हैं। सेट से हमारा क्या मतलब है? जैसे कि अगर हमारे पास प्लेट्स हों, ग्लासेस, स्पून्स, ट्रे और डिशेस होती हैं, तो ये क्या है? ये हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये तमाम मिलकर एक सेट बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक डिनर सेट है। अब हम बात कर रहे हैं स्टेटिस्टिक्स में, तो स्टेटिस्टिक्स में या फिर मैथ में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास सेट्स किस फॉर्म में होते हैं? नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक सेट है जिसे मैं क्या कर रही हूँ, कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसमें मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, 1, 2, 3, जिसे हम एलिमेंट भी कहते हैं, तो ये क्या है, ये मेरे पास एक सेट है। अब मेरे पास कम्प्लीमेंटेशन से क्या मतलब है कि अगर मैं इस सेट को निकालूँ किस में से, एक यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है, जिसमें से हम कहते हैं हमारे पास तमाम सेट्स जो हैं वो निकाले जाते हैं, इसमें हमारे पास तमाम के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर हम उसको 1, 2, 3, 4, 5 ले रहे हैं, यानी कि मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, यू माइनस ए करूँ, तो मेरे पास जो सेट आता है वो क्या कहलाता है, वो कॉम्प्लीमेंट है, जिसे हम इस तरीके से या फिर हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डैश से या फिर ए बार से। तो ये क्या है, ये मेरे पास कॉम्प्लीमेंट है। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब है कि अगर मैंने जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया है उसका मैं दोबारा कॉम्प्लीमेंट लूँ तो वह डबल कॉम्प्लीमेंटेशन बन जाएगा। इसको समझने के लिए हम इन्हीं सेट्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यू माइनस ए करेंगे। तो लॉ ऑफ डबल कम्प्लीमेंटेशन क्या है कि अगर मैं डबल कम्प्लीमेंटेशन लेती हूँ किसी भी सेट की, ठीक है, इस तरीके से, तो वो मेरे पास ए यानी उसी सेट के बराबर आ जाएगा। तो अगर मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं यू माइनस ए को मालूम करूँगी। मैंने u माइनस ए लिया, तो u माइनस ए का क्या मतलब है कि वह तमाम एलिमेंट्स जो मेरे पास u में तो हों लेकिन a में ना हों वो आ जाएंगे, तो वो क्या है, 4, 5 आ गया। अब डबल कम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब है, डबल कम्प्लीमेंटेशन कैसे मालूम करेंगे, u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट करके। तो ये ऐसे होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमारा u जो सेट है हमने उसको लिखा, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने 4, 5 को, यानी जो हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट आया था उसको लिखा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इधर हम यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास डबल कॉम्प्लीमेंटेशन है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अब हम जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब 1, 2, 3 आ जाएगा। तो ये किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है हमारे सेट a के, किसके, a के। तो हमारे पास लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशन क्या है कि अगर हम लोग डबल कम्प्लीमेंटेशन, सॉरी, क्या है कि अगर हम डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लेते हैं किसी भी सेट का, तो वो हमारे पास ओरिजिनल सेट के बराबर है, यानी कि इसको अगर हम इस तरीके से ए बार के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हमारे पास ए के बराबर आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक था लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन।